हेलो फ्रेंड्स, इजी होम किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए स्पेशल खास शिकंजी मसाला। फ्रेंड्स, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं ना, तो वो मटके वाली शिकंजी हम पीते ना, तब हमें लगता है कि यार क्यों नहीं हमारी शिकंजी ऐसे घर पे बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार बनाइए, वही शिकंजी का मसाला आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले गैस पे मैंने एक पैन रख लिया। पैन में एक चम्मच जीरा डाला, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच काली मिर्च और दो हरी इलायची और एक लौंग का टुकड़ा डाला है। और गैस की आंच को लो टू मीडियम रख के मसाला को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा मसाला बनाना है तो यहाँ पे आप मसाला की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, और जितना भी आप मसाला चाहिए उतनी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मसाला को अच्छे से रोस्ट करके एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसमें मसाला को ऐड कर लेना है। और भी इसमें हम मसाले ऐड करेंगे ताकि मसाला है ना तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला ऐड किया है, और आधा चम्मच सौंठ का पाउडर ऐड किया है, और आधा चम्मच सेंधा नमक ऐड किया है, और आधा चम्मच ही नॉर्मल नमक ऐड किया है, और दो चम्मच चीनी ऐड की है। यहाँ पे आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मसाला को पीस के तैयार कर लिया है। इस तरीके से एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना, उसके बाद में ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल लेना। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही पसंद आने वाली है। और एक बार बनाइए और स्टोर करके इसको आप किसी भी एयर कंटेनर में भर के रख के साल भर भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये मसाला ख़राब नहीं होता है। और गर्मियों के लिए तो ये खास रेसिपी है ही। तो फ्रेंड्स, अब हम मैं आपको शिकंजी बना के दिखाती हूँ कितनी टेस्टी शिकंजी है जो बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, थोड़ा सा मसाला लेंगे इस तरीके से, जो हमें मार्केट में शिकंजी मिलती है ना उसी तरीके से हम थोड़ी सी गिलास को डेकोरेट कर लेते हैं। जब हम शिकंजी पीते हैं ना तो उसमें चटपटा सा स्वाद आता है ना, तो इस तरीके से हम गिलास को उल्टा करके थोड़ा सा इस पर मसाला इस तरीके से लगा लेना है। जितनी भी आपकी गिलास में शिकंजी बनानी है उतनी गिलास को आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद में हम गिलास में डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब जिससे है ना शिकंजी बहुत ही ठंडी बनके तैयार होगी। और थोड़े से हम इसमें पुदीना भी डाल लेंगे। और अब जितना आपको शिकंजी मसाला का टेस्ट पसंद है उतना आप मसाला डाल लीजिए। और उसके बाद में इसमें एक एक स्लाइस हम नींबू की डालेंगे, और अब हम एक एक नींबू का रस दोनों ग्लास में ऐड कर लेंगे। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप एक एक दो दो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि मसाला डालते वक्त आपको मसाला की क्वांटिटी थोड़ी कम ही ऐड करनी है, क्योंकि ये थोड़ा काली मिर्च डालिए ना तो ज़्यादा तीखा लगता है ना, इसी हिसाब से आप मसाला को ऐड कीजिए। उसके बाद में आप ठंडा पानी इसमें एकदम ठंडा पानी ऐड कर लीजिए और इस मसाला को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी शिकंजी बन के तैयार हो गई है। इंजॉय कीजिए इस भयंकर गर्मी में एकदम ठंडी ठंडी शिकंजी, और ये मसाला बनाकर एक बार जरूर रख लीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका शिकंजी का मसाला कैसा बना है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए।